नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में और मैं हूँ वंदना। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर जो है अब हर एक शहर में जो है इसका डर जो है लोगों में फैल चुका है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रशासन को जो कार्य करने चाहिए आज यहाँ पर डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि हाथों को हमेशा साफ करना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आज जो है लंगर की जगह इस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं लोगों को, यहाँ पर सैनिटाइज़र की सुविधा दी जा रही है, और एक तरफ आप देखें कि यहाँ पर बच्चों को भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क पहनाया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी पूरी तरह से यहाँ पर देखें आपकी बात यहाँ पर किस तरह से उनको जो है सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जो मास्क नहीं ले सकते हैं या सैनिटाइज़र नहीं ले सकते हैं, उनको इस तरह की सुविधा जो है वो दी जा रही है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सेवा की जा रही है। जी हाँ, लंगर के रूप में इस तरह की सेवा दी जा रही है कि आखिर कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना वायरस का डर जो है लोगों में फैला हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि क्या कुछ हमें करना चाहिए। लंगर की जगह आज मैं आपको बता दूँ कि सैनिटाइज़र के साथ लोगों के हाथ साफ़ किए जा रहे हैं, और साथ साथ मास्क दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं कि पूरी तरह से लोगों को एहतियाती जो है वो बरतनी चाहिए। जी हाँ, आप देखें इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर डबगोत्रा टेबल की तरफ से लंगर को लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए बातचीत करते हैं क्या कहेंगे आज यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। प्रशासन का काम जो है एक आम जो है ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, क्या मैं आप लोग बोलते हैं कि मास्क है, अभी दो बंदों ने बोला इनको मास्क दे दो, लेकिन इनके पास अवेलेबल नहीं है, उससे क्या बनता है। बाकी ये चीज़ है, ये कोरोना वायरस है, ये तो फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड है, इट इज़ ए नेचुरल, ये किसी ने बना के थोड़ी फेंका किसी को। ठीक है, हम चाहते हैं चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे लोग ठीक रहने चाहिए, और क्या है, यही हमारी प्रार्थना है, दुआएं यही है हमारी। बाकी ये है कि मीडिया आप चलो इसमें योगदान देते हैं, मीडिया वाले भी हाईलाइट करते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। मास्क इनको प्रोवाइड करो लोगों को, कल लोग भी बच जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से है। ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट के, गवर्नमेंट को भी चाहे उनको मास्क दे देना, लोग गरीब हैं जेएनके के, इतने अमीर कोई लोग नहीं है यहाँ पे। क्या ये सारे कार्य जो है गवर्नमेंट को करने चाहिए, गरीब लोगों के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को मोहल्ले मोहल्ले कमेटी में जाना, हर जगह जाना है, गरीब लोगों को डोनेट